अगर मैं उसे पाने में सफल हो गया तो उसके स्पर्श से पिताश्री के नेत्रों की ज्योति वापस आ सकती है। हमने फैसला किया है कि हम चंद्रमुखी के राज्य में जाकर वो फूल लाएंगे जिससे पिताश्री की दृष्टि वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम मृत्यु के मुख में जाओ। मैं तो सिर्फ जानने के लिए कह रही थी कि तुम इस रास्ते से जाना ही क्यों चाहते। क्या तुम जानते नहीं ये रास्ता उस डगर पर जाता है जहां से आज तक योद्धा महायोद्धा और राजा महाराजा तक जीवित नहीं लौटे। तो फिर तुम्हारी औकात क्या है? अपने जीवा को लगाम दे नादान युवती। शायद तुझे ये ज्ञात नहीं तो किन से बात कर रही है। ये अलकापुरी राज्य के इकलौते युवराज हैं, राजकुमार भानु प्रताप सिंह, समझी? क्षमा करना युवराज, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि ये रास्ता आगे जाकर ऐसी भूल भुलैया में बदल जाता है जहां से कोई भी मनुष्य निकल नहीं पाता और रास्ते में भयानक जीव जंतु और जादू तोड़ने वाले विचित्र मनुष्य भी मिलेंगे जो तुम्हारे प्राण भी ले सकते हैं। तुम्हारी अल्प बुद्धि पर मुझे दया आ रही है युवती। इस सारी दुनिया में युवराज भानु प्रताप से बलशाली और कोई नहीं। आज तक जितने भी योद्धा पैदा हुए हैं उनमें से कोई भी मुझ जैसे इकलौते महायोद्धा से दो दो हाथ नहीं लड़ सकता। अरे वाह, आप तो शूरवीर हैं। आपको पहचानने में जरा देर कर दी। क्षमा करें, लेकिन इतना जान ले कि इस रास्ते का अंत रूपनगर राज्य की सीमा पर जाकर समाप्त होता है और रूपनगर की राजकुमारी है ब्रह्मांड सुंदरी चंद्रमुखी। क्या आप चंद्रमुखी से मिलने जा रहे हैं? हाँ, हम चंद्रमुखी से मिलने जा रहे हैं। चलो। समय हो गया है, कस्तूरी अभी तक आई क्यों नहीं? कहां चली गई? कस्तूरी, आज तुम्हें लकड़ियां लाने में इतनी देर कैसे हो गई? चिंता के मारे मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। देखो, कल से सूर्य ढलने से पहले तुम घर लौटाया करो। बाबा, सूरज डूबने से पहले मैं हमेशा की तरह घर ही लौट आती थी, मगर रास्ते में एक अखड़ राजकुमार और उसके साथी मिल गए थे। बस उसे रास्ता बताने में जरा देर हो गई। कहाँ का रास्ता पूछ रहा था? कौन था वो राजकुमार? वो राजकुमार स्वयं को अलकापुरी का युवराज बता रहा था। अलकापुरी का राजकुमार? कहीं तो भानु प्रताप सिंह की बात तो नहीं कर रही? हाँ बाबा, उन्होंने अपना नाम राजकुमार भानु प्रताप सिंह ही बताया था और वो चंद्रमुखी के राज्य के रास्ता पूछ रहे थे। अच्छा, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भानु प्रताप सिंह भी चंद्रमुखी का फूल पाने का सपना देख रहा है। उसने तुमसे चंद्रमुखी के विषय में कुछ बातचीत तो नहीं की? नहीं बाबा, जैसे मैंने उसे रास्ता बताया तो वह एक पल के लिए भी नहीं ठहरा और अपने सैनिकों के साथ रूपनगर की तरफ चला गया। हे ईश्वर, भानु प्रताप सिंह से वनराज की रक्षा करना, वो कहीं उसे हानि न पहुंचाने पाए। बाबा, क्या कोई चिंता का विषय है? नहीं, तुम चिंता मत करो, घर जाओ और भोजन की तैयारी करो। तब तक मैं वनराज और महारानी पद्मावती से मिलकर आता हूं।
तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? मेरा स्वास्थ्य ठीक है। मुझे तेरे पिता की चिंता है, न जाने वो किस हाल में होंगे। वो दोनों महारानियों को तो षड्यंत्र करने से ही समय नहीं मिलता होगा। पता नहीं महल में क्या हो रहा होगा। काश मैं उनके पास होती, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना होने देती। मां तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वनराज। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव वनराज। प्रणाम बाबा। सौभाग्यवती भव महारानी। आप इस समय कोई चिंता का विषय है क्या? हाँ वनराज, विषय तो चिंता का ही है, इसीलिए तत्काल मुझे आप लोगों के पास यहाँ आना पड़ा। ऐसी क्या अनहोनी हो गई बाबा जो आप इतने चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं? महारानी, अनहोनी अभी तक हुई नहीं, परंतु यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो अनहोनी हो भी सकती है। अनहोनी भी हो सकती है? अभी तो मैं महाराज के साथ हुई अनहोनी को भी नहीं भूल पाई हूँ बाबा, अब और क्या अनहोनी हो सकती है? महारानी, अभी कुछ समय पहले भानु प्रताप चंद्रमुखी के राज्य की ओर जाने के लिए निकला है, और यहाँ वनराज भी वहां जाने की पूरी तैयारी में है। यदि भानु प्रताप को वनराज की वास्तविकता का पता चल गया महारानी, तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ अनर्थ नहीं होगा, आप तनिक भी चिंता ना करें, भानु भैया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ वनराज, ये सच है कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु तुम्हें हानि अवश्य पहुंचा सकता है। ये मैं नहीं, तुम्हारे मस्तिष्क पर लिखी रेखाएं बता रही हैं। वो तुम्हारे कार्य में बाधा अवश्य डालेगा, और उसके कष्ट से तुम अपने उद्देश्य से भटक भी सकते हो। बाबा, मैं चाहे कितना भी भटक जाऊं, लेकिन अपने उद्देश्य से कभी नहीं भटकूंगा। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें बड़ी सावधानी से फूंक फूंक कर हर कदम रखने होंगे। चंद्रमुखी के सैनिकों से तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि यदि उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुरंत तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगे, और फिर तुम्हारा वहां से बचकर निकलना असंभव होगा वनराज। नहीं नहीं बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा, कुछ उपाय कीजिए। महारानी, यही तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, कोई उपाय नहीं है। अगले 7 दिनों के उपरांत अमावस्या की रात आने वाली है, और ऐसे समय इन काले घने जंगलों में प्रकाश की एक किरण भी नहीं होगी, और ऐसे समय वनराज का वहां रहना आने वाले संकट का संकेत हो सकता है। महारानी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए बाबा, मैं हर बाधा को पार करके अपने उद्देश्य में सफल होकर ही रहूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है वनराज, बस तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। बोलिए। उत्तर तराई के जंगल को पार करने के बाद तुम्हें बाई तरफ के जंगल में जाना होगा, और वहां तुम्हारी भेंट एक महिला डकैत दुर्गेश्वरी से होगी। उसे तुम हमारा परिचय दे देना, वो तुम्हारी हर संभव सहायता करेगी। आपके आदेश का पालन होगा, मैं सूर्योदय होते ही अपने उद्देश्य की ओर निकल पड़ूंगा, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है वनराज। विजय भव। आज्ञा दे और आशीर्वाद दे, मैं अपने लक्ष्य में सफल रहूं। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है बेटा।
है क्या मां? तू रो रही है? नहीं मां, नहीं, तू मुझे आंसू भरी विदाई मत दे। अगर तू इसी तरह आंखों से नीर बहाती रही तो मेरा धैर्य जाने से पहले ही टूट जाएगा। मुझे हंसकर विदा कर मां, हंसकर। मैं रो नहीं रही बेटा, ये तो ममता की वो बूंदे हैं जो अपने बेटे की सफलता की कामना में रोके नहीं रुक रहे। देख मां, तुम मुझसे लाख छुपाने की चेष्टा कर, मगर तेरा दुख छुपाए नहीं छुप रहा है। एक माँ ही जानती है जब उसके कलेजे का टुकड़ा उससे दूर जाता है तो उसके कलेजे में क्या बीतती है। और फिर मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तू वापस कब आएगा। मैं शीघ्र से शीघ्र ही लौट आऊंगा, और जब मैं चंद्रमुखी का फूल लेकर आऊंगा तो हम पिताश्री को दोबारा देख पाएंगे, और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम सब का पुनर्मिलन भी हो जाएगा। यही तो मेरा स्वप्न है बेटा, तू इसे पूरा करेगा ना? तेरे स्वप्न को साकार करने के लिए चंद्रमुखी के पथ पर अपने लक्ष्य में आने वाली हर बाधा को समाप्त कर दूंगा। जिसमें अपनी जननी के लिए इतना स्नेह भरा है, उस मानव को भला कौन चुनौती दे सकता है? जा पुत्र जा, ईश्वर तुझे अपने लक्ष्य में सफल करे। बस एक बात याद रखना, उस काली अमावस की रात को एक क्षण के लिए भी अग्नि देवता से अलग नहीं होना। मैं सदैव तेरी बात याद रखूंगा मां, सदैव। मुझे आशीर्वाद दे। चलता हूं। कस्तूरी, तुम यहाँ? हाँ वनराज, अच्छा हुआ तुमसे मिलना हो गया। अगर तुम मुझे मिले बगैर चले जाते तो मुझे पछतावा सा होता। पछतावा? मगर किस बात का? विदाई के समय अगर कोई अपना बगैर विदा कर चले जाए तो क्या पछतावा नहीं होगा? ओह, तो तुम मुझे अपना समझती हो? तो क्या पराया समझू? तुम तो हमारे राज्य के राजकुमार हो, तो क्या अपने नहीं हुए? हाँ तुम ठीक कह रही हो, और वैसे बाबा ने तुम्हारा नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। कस्तूरी अपनी सुगंध पूरे जंगल में फैलाती है, उसी प्रकार तुम अपने निश्चल प्रेम से मेरे जीवन में भी सुगंध फैला रही हो। युवराज, इतनी प्रशंसा के लायक मैं कहा हूँ? ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम इस धरती की धूल को चांदी की बराबरी दे रहे हैं। बस अमावस की रात को सावधान रहना, और बाबा ने जो कुछ भी समझाया है उनका सदा अनुसरण करना। बाबा कल रात पूरी रात तुम्हारी चिंता में करवटे बदलते रहे। मैंने बाबा की सारी बातें गांठ बांध कर रख ली हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैंने माँ को भी वचन दिया है कि काली अमावस की रात को मैं अग्नि का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। वनराज, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मेरे और बाबा की चिंता तो दूरी हो गई। हाँ, ये लो युवराज, इसे सदा अपने पास ही रखना। मैंने तुम्हारी रक्षा और सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। ये क्या है? प्रश्न मत पूछो वनराज, बस इसे सदा अपने पास ही रखना। और हाँ, मैंने भानु प्रताप को इसी रास्ते से जाते हुए देखा। भानु भैया? हाँ, शायद चंद्रमुखी के फूल को प्राप्त करने के लिए वो इस रास्ते से जाए। ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर भानु भैया को वो फूल प्राप्त होता है तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। आखिर वो फूल मेरे ही पिताश्री के लिए तो है। युवराज,
तुम वीर अवश्य हो मगर भोले भी बहुत हो। क्यों? इसलिए कि तुम अपने समान भानु प्रताप को सच्चा सीधा समझते हो लेकिन अंदर से वो बहुत ही शातिर है। भानु प्रताप को एक बार देखकर ही मुझे पता चल गया कि वो कितना धूर्त और कुटिल मनुष्य है। पता नहीं हम कहां आ गए, सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में भटक रहे हैं। अरे मूर्खों सर क्या हिला रहे हो, जाओ और किसी से पूछो कि क्या यही चंद्रमुखी के राज्य का सही मार्ग है। क्षमा करें युवराज, यहां किससे पता पूछें? यहां तो मानव तो क्या कोई पशु भी नहीं है जिससे सही पथ का पता पूछा जा सके। सिंहावर तुम भी अजीब जानवर हो, अगर हमें सही मार्ग का पता नहीं चला तो हम यहीं भटकते रहेंगे। भूल गए पंडित रुद्रनाथ ने क्या कहा था कि रूपनगर के मार्ग में बहुत भूल भुलैया, कहीं हम उन भूल भुलैया में तो नहीं फंस गए। आप नाहक शक पाल रहे हैं युवराज, हम सही पथ पर हैं। ये देखिए हम सही पथ पर हैं। ये देखिए पथ प्रदक्षक पुस्तिका, इसमें रूपनगर के राज्य की सीमा में प्रवेश करने की जो रेखाएं बनी हैं, उन्हीं दिशाओं पर तो हम हैं। हमें तुम्हारी चतुराई पर पूरा विश्वास है जोरावर, पर हमें ये बताओ कि अब तक हम कहां पहुंचे? युवराज अभी हम अपने राज्य की सीमाओं से अधिक दूर नहीं आए हैं, किंतु रूपनगर राज्य तो बहुत दूर है। ये देखिए, हम समझे थे कि हम कोसों दूर आ गए और अलकापुरी तो बहुत पीछे रह गए, लेकिन अभी तो रूपनगर बहुत दूर है। अगर हम इतना थक गए हैं तो हमारे घोड़ों का क्या हाल होगा? हाँ युवराज, यदि हम सांझ ढलने से पहले उत्तर तराई की पहाड़ियों तक पहुंच जाएं तो वो जगह बहुत सुरक्षित है। पशु पक्षी ना जानवर जिससे हमें जान का खतरा हो, हम वहीं पर पड़ाव डालेंगे और विश्राम करेंगे। विश्राम हराम है, और भानु प्रताप के होते हुए तुम्हें किसी भी खतरे से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं भानु प्रताप इस सारे संसार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी अन्नदाता, अब मैं भूल गया था, क्षमा करें। क्षमा किया, पर भविष्य में हमें और हमारी अभेद शक्ति को कायरता भरी बातें कहकर चुनौती मत देना। वरना हम तुम्हें उप सेनापति से दोबारा सैनिक बना देंगे। क्षमा करें युवराज, क्षमा करें। पंडित रुद्रनाथ जी ने कहा था कि ये पथ जादू टोने और मायावी शक्तियों से भरा पड़ा है, इसलिए मेरी वाणी कुछ अधिक निकल गई। ठीक है, अब अपनी वाणी बंद करो और जाओ, जाके ढूंढो। यहाँ अवश्य कोई ना कोई वनवासी होगा जो हमें रूपनगर का सही मार्ग दिखा सके। जो आ गया युवराज। युवराज, वनवासी! तो मुझे क्या दिखा रहे हो मूर्ख? जाओ उसे बुलाओ। ए वनवासी, इधर आओ। ए वृद्ध, क्या तुम इसी वन के वासी हो? जी, आप कहां के वनवासी हैं? ए मूर्ख, क्या तेरे नेत्र फूट गए हैं? जो तू अलकापुरी राज्य के राजकुमार भानु प्रताप सिंह को वनवासी कहता है, मैं तेरी जीवा काट लूंगा। क्षमा करें महाराज, हम जंगली जाति के लोगों को क्या पहचान राजा महाराजाओं की। खैर, आप फल खाएंगे या पानी पीकर अपनी तृष्णा बुझाएंगे? खाने और पीने की हमें कोई कमी नहीं मूर्ख वनवासी, हमें तो केवल इतना बताओ कि क्या ये मार्ग रूपनगर की ओर जाता है? नहीं अन्नदाता, अब गलत रास्ते की ओर भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ से पीछे दो कोस दूरी पर बाईं ओर जो रास्ता जाता है वो चंद्रमुखी के महल की ओर जाता है। सरावर सिंह, लगता है कि तुम्हारे सैनिक बनने के दिन करीब आ रहे हैं। जाओ
युवराज, न जाने तेरे जैसे कितने राजा महाराजा यहाँ चंद्रमुखी की खोज में आए, मगर कोई भी वापस लौट कर ना जा सका। अब तेरा क्या होगा युवराज? राजकुमारी को नागराज का शत प्रणाम। प्रसन्न रहो, कहो क्या समाचार लाए? समाचार तो चौंकाने वाला है राजकुमारी जी। किसी दूर देश से फिर कोई युवराज हमारे राज्य की सीमा के पास आ गया है और हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। अरे वाह, ये तो अति शुभ समाचार है। हमारी राजकुमारी को दुल्हन बनाने वही राजकुमार आने वाला है। नहीं ऐश्वर्या, अति उत्साह में इतनी प्रसन्न मत हो जाओ, क्योंकि जिसे तुम शुभ समाचार कह रही हो वो हमारे लिए कभी भी शुभ नहीं रहा। आज तक कोई भी युवराज हमारे राज्य में प्रवेश नहीं कर सका है। क्यों? क्षमा कीजिए राजकुमारी, भले ही आज तक कोई भी राजकुमार हमारे इस राज्य की सीमा में नहीं आ पाया है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है इस राजकुमार के भाग्य में इस सुंदर राज्य में प्रवेश करना लिखा हो। हाँ राजकुमारी जी, ऐश्वर्या ठीक ही तो कह रही है, आप इतनी उदास क्यों हो? इस चंद्रमा के समान सुंदर मुखे पर डर की छाया क्यों आ गई? नहीं बेला, तुम नहीं समझोगे, हम तुम्हें फिर कभी विस्तार से समझाएंगे। नागराज, तुम ये सूचना महामंत्री वीरेंद्र सिंह को दे दो, जो वो उचित समझेंगे करेंगे। उनसे कहना कि अगर वो नए युवराज को सुरक्षित हमारे दरबार में लाएंगे तो हम उन्हें उचित सम्मान परिणाम देंगे। आपकी आज्ञा सराखो पर राजकुमारी जी, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। महामंत्री जी सदा अमर रहे। प्रणाम। राजकुमारी चंद्रमुखी जी का संदेश लेकर आया हूँ, यदि अनुमति दें तो सुनाओ। अवश्य नागराज, अवश्य। तुम हमारे खास आदमी हो, कहो क्या संदेश लाए हो? महामंत्री जी, एक और युवराज हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करने के लिए तैयार है। एक और युवराज? बहुत बुरा संदेश लाए हो। खैर, आगे कहो क्या कहना चाहते हो। राजकुमारी जी ने आपके लिए संदेश भिजवाया है कि यदि आप तुरंत उस युवराज को सुरक्षित लेकर उनके पास तक गए तो वो आपसे प्रसन्न होकर आपको सम्मान के साथ साथ जागीर भी देंगी। अच्छा, तो राजकुमारी चंद्रमुखी अभी तक इस संदेशे में है कि किसी दूसरे राज्य का राजकुमार आके उन्हें वरमाला पहनाएगा, लेकिन राजकुमारी ये नहीं जानती कि अगर उनके भाग्य में सुहागन बनना लिखा है तो उनके गले में हमारा पुत्र धुआं सिंह और सिर्फ धुआं सिंह ही माला पहनाएगा। क्यों नागराज, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? महामंत्री जी, आपके कहे शब्द तो पत्थर पे खिंची लकीर के समान अमिट होते हैं। विश्वास कीजिए, इस सारे संसार में आपके सुपुत्र महाबली धुआं सिंह के सिवाय और कोई युवराज राजकुमारी चंद्रमुखी के लायक हो ही नहीं सकता। है? तुम सच तो कह रहे हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें प्रसन्न करने के लिए चापलूसी कर रहे हो और हमारी पीठ पीछे जहर उगलने के लिए तैयार बैठे हो? नहीं महामंत्री जी, भला आपका ये दास आपकी झूठी प्रशंसा कैसे कर सकता है? ये नागराज एक बार को आपके नाम के आगे
अपनी गर्दन कटवा सकता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे विष उगलकर अपनी नाक नहीं कटवाएगा। शाबाश शाबाश, हमारा तुम पर पूरा भरोसा है। राजकुमारी चंद्रमुखी के विवाह पर हम स्वयं महाराज को न्योता देना भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हें नाच गाने पर जरूर बुलाएंगे। दास पर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। महामंत्री जी, इस दास के लिए और क्या आदेश है? हमारा यह आदेश है कि तुम हमारे पुत्र धुआं सिंह के पास जाओ और उनसे कहो कि हम उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। किसी गंभीर विषय पर हमें उनसे ही बात करनी है। जो आ गया। प्रणाम। ठहरो। आज्ञा अन्नदाता। हमारे और हमारे पुत्र के बारे में तुम जो भी छल कपट जानते हो उसे अपने हृदय में समेट कर रखना, वरना बाकी अभागे युवराजों की तरह तुम्हारा शव भी रूप नगर की किसी झील में मगरमच्छों का निवाला बनकर रह जाएगा। विश्वास करें महामंत्री जी, इस दास का मुंह सदा बंद रहेगा। जाओ, प्रसन्न रहो। प्रणाम। धुआं धुआं। प्रणाम पिताश्री। सदा प्रसन्न रहो पुत्र। पिताश्री, आज आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? हाँ पुत्र, अब अगर तुमने राजकुमारी चंद्रमुखी को अपने साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। अगर कोई दूसरा युवराज रूपनगर में प्रवेश कर गया तो हाथ मलते रह जाओगे। नहीं पिताश्री, नहीं। रूपनगर राज्य में आग लग जाएगी जिस दिन आपकी वाणी सत्य होते हुए दिखाई देगी, और उस आग में विनाश के सिवा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। कदाचित ऐसा ना हो, लेकिन पुत्र तुरंत एकांत में जाकर तुम्हें राजकुमारी को मनाने और रिझाने का कार्य कर लेना चाहिए। पिताश्री, मैं एकांत की खोज में तो हूँ, परंतु क्या करूँ? चारों प्रहर राजकुमारी की वो दो डायन सखियां उसे घेर लेती है, बताइए क्या करूं? तुम्हें एकांत का अवसर प्राप्त करना ही होगा पुत्र। क्या तुम जानते नहीं हो महाराज ने अपनी सुपुत्री के हाथ पीले करने के लिए नगर के बाहर ढिंढोरा पिटवा दिया है। अगर कोई भी योद्धा या युवराज राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता है तो वो अपने राज्य रूप नगर में आमंत्रित है। अब तो पहले से ज्यादा युवराज अपने राज्य की तरफ कूच करेंगे, तब क्या होगा? किस किस का वध करेंगे हम? और अगर इस बात का पता महाराज को चल गया तो महाराज तुम्हारे और मेरे टुकड़े टुकड़े करके राज्य के जंगली जानवरों के सामने डाल देंगे। अरे अरे, तुम तो राजकुमारी के बचपन के सका हो, फिर उसे मोहित करके उससे विवाह बद्ध होने में क्यों देर लगा रहे हो? आखिर किस बात की प्रतीक्षा है तुम्हें? सही बात है पिताश्री, सही बात है। अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। अब जब मैं लौटूंगा तो शहनाय की धुन के साथ लौटूंगा। चंगो मंगो, चलो पीछे आओ पीछे। वाह राजकुमारी अकेली, आज तो मैं अपने मन की बात कह देता हूँ। कदाचित भाग्य ने साथ दिया तो हमारा प्रणय निवेदन राजकुमारी स्वीकार कर लेगी। सरकार, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। धुआं धुआं, खेलो प्यार का जुआ। ए, तुम लोग यही ठहरो, मैं आता हूँ। चाचा की चटोरे ने चटनी बनाई, चटनी के साथ चूहे ने पूरी खाई, चूही ने चूहे को चिमटी काट, चूहा चिल्लाया चू, तुम भी चिल्लाओ चू, चिल्लाओ ना चू चू। अरे धुंधू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? बताता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ बैठ जाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
आओ बैठो। राजकुमारी जी, कई दिनों के पश्चात आपको अकेला देखा तो सोचा कि कुछ सुहाने पल आपके साथ बिताऊं, नहीं तो हर समय आपकी वो सखी सहेली आपको घेरे रहती है। हाँ धुल्लू, अब हमारे पास अपनी सखियों के सिवा और है ही कौन। अगर हमारी सखियां हमारा दिल नहीं बहलाती तो इतने विशाल राजमहल में एक क्षण भी बिताना बहुत भारी पड़ता। और आखिर हमारी सखियों के सिवा हमारा है ही कौन। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी, क्या आप अपने बाल सखा को भूल गई? बाल सखा? हाँ बाल सखा, मैं आपके साथ बचपन से खेलते कूदते बड़ा हुआ हूँ, तो क्या आपकी सहेलियों के पहले हमारा स्थान नहीं आता? अरे धुंधलू, तुम्हारा स्थान तो है, पर तुम अचानक इतने बुझे बुझे इतने निराश क्यों हो गए हो? हा? वो इसलिए क्या आपने अभी अभी कहा कि आपकी सहेलियों के सिवा आपका कोई नहीं है, हमें सुनकर बड़ा दुख हुआ। राजकुमारी जी, क्या आपका ये बाल सखा आपके लिए कुछ नहीं है? अरे धुंधलू, तुम तो अभी तक बरसों पुराने वही बालक हो जो बात बात पर रुझ जाया करता था। हाँ। हमने कब कहा कि तुम हमारे लिए पराए हो? हाँ? हाँ? तो फिर ठीक है, सच बताऊं राजकुमारी जी, मुझे आपकी सहेलियों से बड़ी जलन होने लगी थी। क्या जाने दो, और ये बताओ, हमने महामंत्री जी को एक नए युवराज के आने की सूचना भेजी थी, उसका क्या हुआ, वहाँ से कोई समाचार आया? जी राजकुमारी जी, पिताश्री ने उस युवराज के स्वागत के लिए रणबीर सिंह को भेज दिया है। जैसे ही उस युवराज की उनसे भेंट होगी, उसे धूमधाम से इस राजमहल में लाया जाएगा। ठीक है, परंतु हम आज तक ये बात समझ नहीं पाए कि हमारे राज्य में प्रवेश करने से पहले आखिर ये सब राजकुमार कहाँ खो जाते हैं? सच तो ये है राजकुमारी जी, उन युवराजों में से हमारी तरह कोई वीर नहीं है। सभी युवराज हमारे राज्य के पथ में पड़ने वाले चोर डाकू और मायावी शक्तियों से डरकर वापस अपने राज्य भाग जाते और फिर बचे कुछ डाकुओं की भेंट चढ़ जाते। ये सुनकर हमें बहुत बुरा लगा धुंधलू, इससे तो हमारे राज्य की बहुत बदनामी होगी। हमारे राज्य में आने वाले अतिथियों की रक्षा करना हमारा धर्म है। हाँ क्यों नहीं, हमारा भी धर्म है, इसलिए पिताश्री ने सारी जिम्मेदारी इन मजबूत कंधों पर डाल दी। इन मजबूत कंधों पर, इसका विश्वास रखिए कि हमारे होते हुए बाहर से दुनिया के आने वाला कोई भी युवराज किसी मुसीबत में नहीं फंसेगा। ये क्या युवराज, यहाँ तो पति समाप्त है। मूर्ख जोरावर, हम अंधे नहीं है, हमें भी दिखाई देता है। और अब घोड़ों को आगे ले जाने के लिए कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढना ही पड़ेगा। चलो तुम लोग यहीं ठहरो, हम लोग आते हैं। आज वो देखिए कोई कंडिया जा रही है। ए सुंदरी ठहरो, सुंदरी अवश्य तुम एक वनवासिनी ही हो। हाँ आप कौन? सुंदरी तुम शायद इन्हें नहीं जानती, अन्यथा ऐसी बातें नहीं करती। ये अलकापुरी राज्य के इकलौते राजकुमार हैं, युवराज भानु प्रताप सिंह। ये तो सूरत से ही लगते हैं, पर आप इन भयानक वनों में क्यों भटक रहे हैं? हम रास्ता भटक गए हैं सुंदरी, क्या ये मार्ग चंद्रमुखी के राज की ओर जाता है? ना ना युवराज, ये रास्ता तो चंद्रमुखी के राज्य से उल्टी दिशा में जाता है। उल्टी दिशा में? हाँ उल्टी दिशा में, आप जिधर से आए हैं वही वापस लौट जाइए। परंतु हम जिस मार्ग से आ रहे हैं वहाँ एक वनवासी ने हमें इधर जाने को कहा था। समझी, तो चंद्रमुखी के ठगों ने
आपको भी भ्रमित कर दिया। चलो इसी बहाने आपके प्राण तो बचे। प्राण तो बचे? चंद्रमुखी के ठग, हम कुछ समझे नहीं। अन्नदाता, राजकुमारी चंद्रमुखी जितनी सुंदर है उतनी ही क्रूर भी है। वो बाहर की दुनिया के किसी भी मानव को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देती, और जो कोई भूला भटका वहां तक पहुंच भी जाता है तो वो उसे समाप्त करवा देती है। और उसकी सीमा तक ना पहुंचने के लिए चंद्रमुखी के सिपाही किसी भी वेश में आकर जंगल में भटके हुए पथिकों को पथभ्रष्ट कर देते हैं, जैसे किसी वनवासी ने आपके साथ किया। सुंदरी, तुम्हारे मुख से सच्चाई छलक रही है। अब हम किसी वनवासी पर विश्वास नहीं करेंगे, और यदि कोई वनवासी हमें गलत मार्ग दिखाएगा तो हम उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। और यदि तुम सही साबित नहीं हुई तो मेरी ये कतार तुम्हारे गर्दन का लहू पचाएगी। अगर मैं सही साबित ना हूँ तो अपनी इस कटारी की प्यास मेरे लहू से बुझा लेना। ठीक है सुंदरी, हमें तुम पर विश्वास है, चलो। बेचारा युवराज अब इन भयानक वनों में पागलों की तरह एक पद से दूसरे पद तक भटकता रहेगा। पर इसे चंद्रमुखी तो क्या, चंद्रमुखी की छाया तक नहीं मिलेगी। मंत्री वर रणवीर सिंह की जय हो। प्रणाम। क्या गुप्त समाचार लाए हो नागराज? मंत्रीवर, मैं आपसे मिलने के लिए और गुप्त सूचना देने के लिए कल रात से व्याकुल था, और वो गुप्त सूचना ये है कि रूपनगर राज्य में एक और युवराज प्रवेश करने की तैयारी में है। क्या? यानी हमारे लिए एक और नई परेशानी? परेशानी? मंत्रीवर, आपको क्या परेशानी हो सकती है? नागराज, तुम हमारे विश्वसनीय हो इसलिए सिर्फ तुम्हें बताते हैं। हमारी परेशानी है वीरेंद्र सिंह का बेटा धुआं सिंह। वो राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ विवाह करने के स्वप्न देख रहा है, जबकि राजकुमारी सिर्फ हमारी महारानी बनेगी। बन जाएंगी मंत्रीवर, अवश्य बन जाएंगी। भला आपके सिवा इस रूपनगर राज्य में ऐसा कौन महाबली होगा जो राजकुमारी का वरण कर सके? मेरा ये उत्तर सुनकर आपके माथे से चिंता की रेखाएं स्वयं ही मिट जानी चाहिए मंत्रीवर। नागराज, चिंता की रेखाओं का कारण धुआं सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह है। महामंत्री वीरेंद्र सिंह का सचिव होने के कारण हम उनके सारे छल कपट जानते हैं, और इसीलिए हमें डर है कि अपने पुत्र का स्वप्न पूरा करने के लिए कहीं महामंत्री राज्य में बगावत न करवा दे। बगावत? मंत्रीवर, यदि ये बगावत हो गई तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस बगावत का लाभ उठाकर आप जबरन राजकुमारी को अपनी महारानी बना सकते हैं। वो तो ठीक है नागराज, लेकिन हमें राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ साथ रूपनगर पर भी अपना अधिकार चाहिए, और इसके लिए हमारे रास्ते पे आने वाली हर मुसीबत को हम ठोकर मार देंगे। अब चाहे वो धुआं सिंह हो या फिर दूर देश से आया हुआ वो युवराज। है